बिग बॉस सीजन 2 के दोस्तों ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है ये सीजन। इसमें आकांक्षा पुरी नजर आ रही है घर के अंदर। अब आकांक्षा पुरी के साथ में दोस्तों आपको बता दें, जब से वो घर के अंदर आई है, जद हदीद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें टच करने का, गले लगाने का कोई भी मौका दुबई से आए, जद हदीद छोड़ते नहीं हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, आकांक्षा पुरी लाइव फीड में देखने को मिल रहा है कि फिलहाल झाड़ू लगा रही है घर के अंदर और काफ़ी हॉट अंदाज में नजर आ रही है। जब उन पर नज़र पड़ती है जद की, तो दोस्तों जद वहाँ पे भागे भागे चले आते हैं और आकांक्षा पुरी को देखने लगते हैं, और देखते देखते वो उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं, यू आर वर्किंग अलोन बेबी। तो ऐसे में दोस्तों आकांक्षा कहते हैं, वहाँ चले जाओ, अभी मैं यहाँ पे झाड़ू दे रही हूँ। तो जद दोस्तों वहाँ से जाते नहीं, और एक बार फिर से आकांक्षा को वो दोस्तों फोर्सफुली अपनी ओर खींचते हैं और जमकर कस के गले लगाने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा पुरी उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जद उन्हें कमर से पकड़ते हैं जहाँ पे उन्होंने कपड़ा भी नहीं पहना था, और वहाँ से वो कस के गले लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आकांक्षा पुरी एक बार फिर से दोस्तों ऐसे टॉलरेट नहीं करती और उन्हें वहाँ से हटा देती है, और जद वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। ये दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने आकांक्षा को फोर्सफुली हग करने की कोशिश की है, और आकांक्षा ने दोनों बार उन्हें अवॉइड कर दिया। खैर, आकांक्षा जद को अच्छा लड़का तो मानती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इस प्रकार से उन्हें कोई टच करे। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, फिलहाल मैं काम कर रही हूँ। और आकांक्षा ने इस मैटर को फिलहाल ज़्यादा बड़ा बनाया भी नहीं, लेकिन जद ने अगर एक दो बार ऐसी हरकत और की तो शायद ये मामला बड़ा हो सकता है। आपको क्या कहना है कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल खेलो खेलो।